हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ बाय वसुंधरा एंड आज हम लोग देखने वाले हैं लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त और राइट ये रीडिंग है फॉर टॉरिस एंड सिंस क्योंकि एक जनरल लव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सब कुछ रेजोनेट करे इसलिए जितना रेजोनेट करे बस उतना ही पिक करिएगा एंड यू कैन लीव द रेस्ट तो इसके अलावा अगर आप में से किसी को कोई पर्सनलाइज रीडिंग की आवश्यकता है तो प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा एंड वहाँ पर जाके आप लोग मुझे मेरे गिवन इंस्टाग्राम आई डी पे फॉलो कर सकते हैं एंड मुझे वहाँ पर डी एम कर सकते हैं राइट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके मैं इन फ्यूचर आप लोगों को और भी अच्छी रीडिंग्स दे सकूँ ठीक है चलिए टॉरिस्ट देखते हैं व्हाट्स देयर फॉर टॉरिस्ट इन रिगार्ड्स टू लव इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट टॉरिस्ट इन लव इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट What's there for Taurus in regards to love in the month of August? What's there for Taurus in regards to love in the month of August? Okay, Taurus. So, the first card is the Devil. Okay. And then is the Nine of Wands and the Knight of Swords. Alright. Let's see. अभी मैं आप लोगों को ये कार्ड समझाऊंगी बट इससे पहले हम लोग शफल करके आपके जितने भी पॉसिबल मैसेजेस हैं वो फेच आउट कर लेते हैं ओके लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर टॉरिस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इन रिगार्ड्स टू लव टॉरिस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इन रिगार्ड्स टू लव Let's see. Okay, Taurus, let's do some. Okay, there. Eight of Swords. Okay, I can see a story over here, but थोड़ा सा एक आधी एक लास्ट शफल देख के देखते हैं टू सी एनी थिंग एल्स दैट किंग ऑफ वॉन्स ऑल राइट एंड टू मोर द एट ऑफ कप्स ओके एंड द क्वीन ऑफ कप्स टॉरिस ऑल राइट सो बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जब भी मैं किसी कार्ड के लिए कहती हूँ कि एक ये मेजर आरकाना कार्ड है तो मतलब कि उस कार्ड की एक स्टेपिंग स्टोन वाली एनर्जी है फिक्स एनर्जी है ओके एंड द कार्ड इज हैविंग एन एनर्जी जैसे जिस पत्थर पे पैर जरूर पड़ेगा उस टाइप की एनर्जी है कार्ड की सो दैट इज वाई आई कॉल इट द मेजर आरकाना द स्टेपिंग स्टोन कार्ड ओके माइनर आरकाना कार्ड की एनर्जीज जो है वो चेंज होती रहती है एज पर योर एक्शन थ्रू आउट द मंथ ओके सो मेजर आरकाना कार्ड ही एक फिक्स एनर्जी होता है सो नाउ लेट्स बिगिन ऑल राइट सो जैसा कि मैंने कहा था मेजर आरकाना कार्ड है द डेविल and this card says ki a lot of you might be having some kind of uh, you know uh, lust in the month of august maybe you are feeling uh, you know uh, physical uh, intimacy ki needs aap logon ko lag sakti hai in the month of august taurus i see that aap mein se kuch log thoda sa ऐसी thinking कर रहे हैं जो आपको पता है कि आपको नहीं करनी चाहिए but आप still भी still कर रहे हैं because you cannot hold yourself back. ओके एंड देयर इज़ सम काइंड ऑफ यू नो प्रोकेस्टिनेशन इन योर हैबिट मे बी यू शुड बी टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स समबडी और समथिंग बट आप वो कर नहीं रहे हैं हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग यू नो लव लाइफ से डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा के अपनी लाइफ में अभी इस मिनट uh, हो रहे हैं टोरिस ओके okay? थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको पता है कि इट इज़ ब्रिंगिंग यू डाउन इन योर लव लाइफ बट यू आर स्टिल यू नो नॉट लिविंग दोज थिंग्स इट कुड भी अबाउट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑल्सो हो सकता है कि सम ऑफ यू आर डूइंग सम थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड यू आर यू नो नॉट मूविंग अवे फ्रॉम इट पता होता है कि यू you नो know, हम कुछ गलत कर रहे हैं इट इज़ लाइक कि वी नो दैट वी आर डूइंग रॉन्ग बट वी कैन नॉट जस्ट होल्ड आर सेल्स एंड वी कैन नॉट टेल आर सेल्स टू बैक आउट तो ये वो वाली सिचुएशन लग रही है बट टॉरिस्ट जब ये कार्ड आता है तो आई ऑलवेज से पीपल टू वॉच देयर एक्शन्स बिकॉज कर्मा कम्स बैक वॉट यू रीप इज वॉट यू सो ओके सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर एक्शन नाव कम्स द नाइन ऑफ वानस सो नाइन ऑफ वंस कहता है कि आप में से कुछ लोग थोड़े एग्जॉस्टेड नजर आ रहे हैं अपने रिलेशनशिप से आई थिंक कि कोई एफर्ट आप लोग सिंगल हैंडेडली अपने रिलेशनशिप में पुट कर रहे थे एंड आप लोग उस वजह से बहुत एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं आई uh, थिंक कि हो सकता है कि यू आर ट्राइंग वे टू हार्ड इन रिलेशनशिप एंड अकेले ही उसके अंदर मेहनत कर रहे हैं तो शायद इसीलिए भी ये कार्ड आ सकता है टोरिस ओके okay? एंड हेल्प uh, नहीं ले रहे हैं अपने पार्टनर से अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ उस टाइप की एनर्जी भी लग रही है विथ नाइट ऑफ सॉट्स आई सी दैट सम ऑफ यू आर यू नो टोटली डिटमाइंड टू थिंिंक डिफरेंटली आई फील कि आप लोग एक इम्पल्सिव बिहेवियर पोट्रे कर रहे हैं ऐट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड बहुत ही अलग तरीके से सोच रहे हैं जो दूसरे सोचते हैं उससे बहुत ही अलग तरीके से बट आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि जो सोच रहे हैं आप लोग ठीक सोच रहे हैं एंड यू डोंट यू नो नीड एनी बडी इज़ अप्रूवल फॉर दैट एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस एनर्जी इज़ काइंड ऑफ वेरी इम्पल्सिव टे बट आई सी कि आप लोग श्योर हो कि आप लोग जो सोच रहे हो यू नो दैट यू थिंक दैट दिस इज द बेस्ट फॉर यू दैट यू आर डूइंग ओके टोरिस नाउ विद एट ऑफ फॉज आई सी कि आप में से कई लोग बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं इन रिगार्ड्स टू समथिंग कोई चीज़ है जिसके रिगार्ड्स में आप लोग बहुत ही स्टक फीलिंग महसूस कर रहे हैं एंड यू कुड बी फीलिंग लाइक यू नो यू डोंट नो वॉट टू डू वॉट टू डू मतलब कोई सिचुएशन के अंदर एनजाइटी एंड स्ट्रेस बन रही है इन रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ कोई एक सिचुएशन है आप लोगों की अभी लव लाइफ़ में जिसके रिगार्ड्स अभी आप लोगों को बहुत स्ट्रेस एंड एंगजाइटी हो रहा है एंड यू डोंट नो वेयर टू गो क्या पाथ चुनना चाहिए किसे चुनना चाहिए हाँ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कोई काम पे यू आर थिंकिंग एंड दिस इज़ ऑल इन रिगार्ड्स टू लव ओके सो एक आई uh, थिंक एक प्रोकेस्टिनेशन के साथ साथ या एक गलत चीज़ों के साथ साथ देर इज़ अ लॉट ऑफ मिक्स थिंग्स लाइक यू नो यू गेटिंग टायर्ड एंड देन यू मूविंग इन इम्पल्सिव थिंग्स आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा ना uh, मूडी होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट बिकॉज अगर आप यू नो दिस ये सब कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा मूडी होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट थोड़ा मूडी डिस्प्ले कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट विद द किंग ऑफ वानस न आई सी कि आप में से कई लोग ये रिलेशनशिप बहुत ही लंबे समय से चलाते आ रहे थे ओके एंड दिस हेज़ बीन ये रिलेशनशिप वॉज नॉट ईजी फॉर यू गाइज ओके and there might have been a lot of troubles ups and downs in this relationship but i see that you guys have this you know thing in you that you are very determined because you determination का this tells me determined है. even when you are you know taking responsibility of your actions and you are coming from a long way beating all the odds but you are very determined okay एंड दिस डज टेल दैट यू आर टेकिंग समिबिलिटी ऑफ योर एक्शन स्टोरीज ऑल राइट एक्शन ओरिएटेड नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट अपने पार्टनर के प्रति बट थोड़ा सा मूवी भी नज़र आ रहे हैं राइट देन इज द एट ऑफ कप्स आप में से कुछ लोग किसी इमोशनल ड्रामा के ओस से मूव अवे करते हुए नजर आ रहे हैं कोई चीज थी जो आप लोगों की लाइफ में एज एन इमोशनल ड्रामा यू हो रही थी एंड इट वॉज़ अ लॉट टू टेक टोरिस्ट देर वॉज अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड इट वॉज नॉट यू नो बींग वेरी हेल्दी सो थोड़ा सा आप लोग उससे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं बाई दी यू नो मे बी एंड ऑफ द मंथ ओके एंड क्वीन ऑफ कप्स इस टेलिंग मी कि आप लोग अपने इमोशंस को नर्चर कर रहे हैं थोड़ा सा अपने इमोशंस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स आई सी की थोड़ा नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं देख रहे हैं कैसे हैंडल करें हैं। आप लोग अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत यू नो यू आर नॉट वरिड ओके आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं एंड यू आर नॉट वरीड टू गिव टेक इट बैक बट यू जस्ट यू हैव अ लॉट टू गिव एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू इफ यू आर अ मेल टॉरस देन देयर इज सम वुमन और सम फीमेल फिगर इन योर लाइफ इट कुड बी योर मदर इट कुड बी योर सिस्टर इट कुड बी योर वाइफ हु इज़ सपोर्टिंग यू इन रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ ओके इट कुड बी योर फीमेल फ्रेंड जो कि आप लोगों को आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग कोई सजेशन दे रही है सपोर्ट कर रही है किसी टाइप से कोई हेल्प मिल रही है ओके योर गर्ल फ्रेंड बट सम फीमेल फिगर इज़ हेल्पिंग यू टू नर्चर योर इमोशन इन रिगार्ड्स टू लव ओके सो आई होप कि एक जनरल लव रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही रेजोनेट करती होगी एंड अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके मैं आप लोगों को इन फ्यूचर और भी अच्छी रीडिंग्स दे सकूं एंड अगर आपने से किसी को कोई पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं वहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी दिया है जहाँ पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं ओके okay? चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय टेक केयर